इंटर करने के लिए, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं जो देख रहा था उस समय भी ये लग रहा था कि ये फ्लोर मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि फंड मैनेजमेंट है, और रिटेल में एफडीआई के लिए होलसेल में इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो कंपनी भारत में आने से पहले भ्रष्टाचार के घोड़े पर चढ़कर आ रही हो, वो निश्चित तौर से जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब इस शुरुआत में इस ये कंपनी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के माध्यम से इस देश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, तो ये किराना खोलना चाहती है या कैसीनो, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो बात आई है 25 करोड़ की, वो कहाँ हुआ है, किस पर हुआ है, और ये फ्लोर मैनेजमेंट था या फंड मैनेजमेंट, बिचौलिए की भूमिका कांग्रेस ने निभाई या किसने निभाई, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जो सवाल जिस सवाल का कि जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। बस तकरीर साहब, एक ये सवाल है कि उन्होंने अपने देश में किया है और वो कह रहे हैं कि वहाँ तो लीगल है, तो अपने लॉ मेकर से लॉबी कर रहे हैं कि हमें इंडिया मार्केट में एंट्री दो, तो इससे भी क्या आपको नहीं? अब ये कहाँ कहाँ उन्होंने किया है, किस किस रूप में किया है, ये सवाल अभी खड़ा हुआ है। और ये जो मैं मानता हूँ कि ये कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं था, फंड मैनेजमेंट हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेती है, क्या कहती है, क्या करती है, वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के कमज़ोर तबके, दलित तबके, पिछड़े तबके, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर तबकों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर उसके किए गए निर्णय के सवाल पर सरकार किस तरह का मसौदा लाती है उस पर देख करके और सदन के अंदर हम अपनी राय और अपनी बात रखेंगे। पीएम सर, गुजरात में जाने के बाद कहते हैं कि गुजरात में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। देखिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर लोगों की तरक्की को आंकना कतई गलत है। ये बात सही है कि पिछड़ा जो तबका है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में हो, उसको प्रगति की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, उसमें उसको तरक्की में शामिल करने के लिए सभी तरह के प्रयास करने चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरात को रीडर नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। और सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी एक्सपायर स्क्रिप्ट के आधार पर गुजरात की तस्वीर और तकदीर बनाने का जो सपना देख रहे हैं, वो सफल नहीं होगा।